हे व्हाट्सअप गाइस, दिस वर्षित लेके आ गए यार आइसोलेशन मेटलर्जी की ओर्स लर्न करने की ट्रिक। बेसिकली आपको सारी ओर्स आज लर्न करना सिखाएंगे। आयरन के होंगे, उसमें कॉपर के भी ओर्स होंगे, उसमें अल्मोनियम के ओर्स होंगे। ये बेसिकली जितने भी ओर्स होते हैं इंपॉर्टेंट जिंक के ओर होंगे, उसको लर्न करना सिखाएंगे विथ निमोनिक्स। तो कंटिन्यू करते रहिए, आगे देखते रहिए, आप ईजिली सीख जाओगे। इसमें आप 4 महीने रटोगे तो नहीं याद होगा, आज आप 5 मिनट की वीडियो से पूरी लर्न करके जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली बार वीडियो पे काफ़ी डिमांड आ रही थी कि यार आइसोलेशन में जो ओर्स होते हैं उनको लर्न करने की ट्रिक है यार, बहुत सारे ओर्स होते हैं, कैसे कैसे लर्न किया जाए। और IITs और NEET के क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि ये फला फला आपका ऑप्शन है, इसमें से कौन से आयरन के ओर हैं, कौन से कॉपर के ओर हैं, कौन से जिंक के ओर हैं, कौन से अल्मोनियम के ओर हैं। तो बेसिकली उसके लिए मैंने ट्रिक बनाई है, जरा आप इसे देखिएगा। ये ओर ऑफ आयरन, इसमें आपको निमोनिक्स याद करना है। निमोनिक्स आपका ये है कि लीमा हेमा मासी पाइराइट, मतलब लीमा जो हैं, हेमा जो हैं, ये बेसिकली मासी के नाम है। मासी, यू नो वेरी वेल, इट्स कॉल मासी। तो और पाइराइट, आपको ये बस निमोनिक्स याद कर लेना है, लीमा हेमा मासी पाइराइट। तो इससे आपको क्या पता चलेगा, देखिएगा, इससे आपको ये पता चलेगा जो लीमा है वो डिनोट कर रहा है लिमोनाइट। लिमोनाइट बेसिकली आयरन के ओर है, उसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है नीचे, ये देख सकते हैं आप, उसकी फॉर्मूला है ये। और फिर हेमा से क्या है, हेमेटाइट, हेमेटाइट तो बेसिकली नोन है यार। फिर माँ से क्या है, आप माँ से मैग्नेटाइट को उस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला Fe3O4, बेसिकली हेमेटाइट का Fe2O3 होता है और मैग्नेटाइट का Fe3O4 होता है। और सी से क्या आप जानते हो, सी से होता है सैडराइट, सैडराइट की फॉर्मूला होता है Fe CO3। और पाइराइट, पाइराइट तो पता ही है, आयरन पाइराइट बेसिकली Fe S2। बेसिकली क्या होता है, जब भी पाइराइट हो, ठीक है, जब भी आपका पाइराइट हो, ब्लेंड हो और ग्लैंस हो, ठीक है, तो वो सल्फाइड की ओर होते हैं बेसिकली। और बाकी आपके अब बस इतना निमोनिक्स याद कर लीजिए आप। उसके बाद देखिए, अब बात आती है कॉपर की ओर की, तो कॉपर की ओर की भी निमोनिक्स है, उसे एक बार देखिएगा आप। कॉपर की निमोनिक्स है कि मेले से आज कप और कॉपर ग्लास लाओ। इट मीन्स यू हैव टू गो इन अ मेला और अफेयर एंड यू हैव टू ब्रिंग अ कप एंड अ कॉपर ग्लास। तो मेले से आज कप और कॉपर ग्लास लाओ। तो मेले से क्या होता है, मेलाचाइट होती है, और होती है, इसके फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। आज मीन्स एजुराइट, ये इसका एक्सपेंड करेंगे तो एजुराइट का फॉर्मूला ये होता है। देखिए आपको एक बात बता दे रहा हूँ, ये जो आप देख रहे हैं, ये CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस, ये मेलाचाइट है, ठीक है, और उसका डबल कर देंगे आप तो ये एजुराइट हो जाएगा। ये बेसिकली मैंने ट्रिक बता दी, आप देख सकते हैं इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं इन दोनों में, ठीक है। फिर आप देखिए यहाँ पे, मेले से आज कप से आप क्या समझोगे, सी फॉर कॉपर, पी फॉर पाइराइट। कॉपर पाइराइट बताए हूँ मैं, जब भी पाइराइट हो, ब्लेंड हो और ग्लैंस हो, तो समझ जाइए सल्फाइड का ओर है। और बेसिकली जब पाइराइट हो तो समझ जाइए उसमें आयरन और सल्फर ज़रूर मिक्स है। तो देखिए कॉपर पाइराइट CuFeS2, और कॉपर और कॉपर ग्लास, कॉपर ग्लैंस जानते हो, जब भी बोलें ग्लैंस क्या बताया मैंने, ग्लैंस, ब्लेंड और पाइराइट हो तो समझ जाइएगा सल्फाइड की ओर। तो कॉपर ग्लास लाओ मीन्स कॉपर ग्लैंस, ठीक। अब बात आती है यार ओर्स ऑफ जिंक की, ठीक है। तो ओर्स ऑफ जिंक, केले में जिंक काइट ब्लेड, ये आपको निमोनिक्स याद करना है, केले में जिंक काइट ब्लेड, ठीक है। तो बेसिकली इसका मीन्स क्या हुआ, केले फॉर कैलामाइन, कैलामाइन का फॉर्मूला ZnCO3, केले में छोड़ देना है जिंक काइट। तो एक बार आपको इन दोनों को लेना है, ठीक है, जिंक काइट। तो आप इससे गो थ्रू होते हो जिन साइट से, ये चीज़ आपका, ये जिन साइट आपका डिनोट कर रहा है, जिंक काइट फॉर जिन साइट, देखिए। और फिर आपको क्या लेना है, फिर आपको जिंक ब्लेड, मतलब जिंक काइट ब्लेड। तो एक बार काइट से रिलेशन बनाएंगे ब्लेड से, तो काइट ब्लेड क्या डिनोट कर रहा है, आपका जिंक ब्लेंड। और जिंक ब्लेंड को बेसिकली हम लोग ये स्फेरेलाइट भी बोलते हैं, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। तो बेसिकली इतना हो गया आज के लिए, अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ये आप देख सकते हैं ओर ऑफ अल्मोनियम, तो ओर ऑफ अल्मोनियम में बेसिकली हमको ये निमोनिक्स याद करनी है। कोरिया में डायनासोर से
बॉक्सिंग करेगा तो गब्बर क्राई करेगा. इट मीन्स यू हैव टू गो इन कोरिया एंड यू हैव टू फाइट विद द डायनासोर एंड अ पर्सन इज बिसाइड यू इज गब्बर एंड ही स्टार्ट क्राइंग. समझ रहे हो ना? तो कोरिया में आज डायनासोर से बॉक्सिंग करेगा तो गब्बर क्राई करेगा. तो कोरिया मीन्स कोरंडम, ठीक है. Al2O3 इसका फॉर्मूला है. मैं छोड़ देना है डायनासोर पे. डायनासोर कोई ऐसा ये से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एज जनरली एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं ये सब फॉर्मूले. डायनासोर जैसे हो गया और ये जैसे कैलानाइट हो गया, ये सब बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. लेकिन निमोनिक्स एडजस्ट करने के लिए उतना इस, लेकिन ये एलुमिनियम के ओर और निमोनिक्स को हमें एडजस्ट करना होता है बताने समय, तो इसलिए हमने ऐड कर दिया. लेकिन मैं बता दे रहा हूँ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. तो बॉक्सिंग से क्या है, बॉक्साइड या सब फैमिली और है, उसको बताने की जरूरत नहीं है. बॉक्साइड Al2O3.2S2 सब कोई फैमिली और है बॉक्साइड से, ठीक है. और फिर गब्बर क्राई करेगा. गब्बर से आपको क्या समझना है, ये गब्बर से होता है इसका गिबरसाइट, ठीक है. उसका फॉर्मूला होता है AlOH का होल थ्राइस. और क्राई से क्रायोलाइट, Na3AlF6. बेसिकली IIT में क्वेश्चन आए थे, हमको याद है कि इस इनमें से कौन सा ऐसा अल्मोनियम का ओर है जिसमें फ्लोरीन प्रेजेंट रहता है. तो इसी तरह ऑप्शन दे दी थी, तो उसमें ये भी ऑप्शन था क्रायोलाइट का. तो आपको क्रायोलाइट पर टिक, देखिए इसके ओर में AlF6 ये फ्लोरीन प्रेजेंट है ना, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. और आपको जब पता ही नहीं रहेगा भाई अल्मोनियम का ओर कौन सा है, तब आप ये कैसे पता लगाओगे किसमें फ्लोरीन है किसमें फ्लोरीन नहीं है. तो बेसिकली ये तो हो गया. अब हम नेक्स्ट पार्ट इसका लेके आएंगे जिसमें आपको इट मीन्स अकॉर्डिंग टू द केमिकल कंपोजिशन, जैसे कार्बोनेट और सल्फाइड और ऑक्साइड्स और पे पूछे जाते हैं क्वेश्चन IIT में, इसमें कौन सा कार्बोनेट और है कौन सा सल्फाइड और है, तो उसका हम पार्ट टू लेके आएंगे. जो फर्स्ट बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते थे यार इनमें से आयरन का और कौन है कॉपर का और कौन है, उसमें मैंने ट्रिक बता दी, उसके भी नाइस ट्रिक आएगी. आप पार्ट टू के लिए थोड़ा वेट करिए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं. जब ये वीडियो अपलोड होगी तो मैं भी उसके बाद अपलोड हो चुकी हुई. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स अ लॉट.